रूट थ्री मल्टीप्लाई बाई, है ना। और हमेशा ये याद रखो कि लाइन में जो भी क्वांटिटी है जब बराबर नहीं है, रूट थ्री मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रहेगा, है ना। ऐसे भी याद कर सकते हो कि लाइन में जो भी क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहेगा। अब डेल्टा कनेक्टेड लोड देखते हैं। डेल्टा कनेक्टेड लोड इस प्रकार दिखता है, यहाँ पे देखते हैं। डेल्टा कनेक्टेड जब भी लोड है उसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें करंट जो फ्लो होता है, ये लाइन करंट तो इस प्रकार दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ फेज फेज फे यहाँ तीन फेज आपको दिख रहे हैं, है ना। अब यहाँ फेज में जो आर से वाई है ना, ये हर एक पॉइंट पे आपको कनेक्ट हो गया, आर वाई बी ए बी सी पे कनेक्ट हो गया। अब यहाँ ये फेज को देखो, इस फेज में जो वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है वो आर वाई अप्लाइड हो रहा है। इसका मतलब जो फेज में जो भी वोल्टेज है, ये फेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वही लाइन वोल्टेज कहलाएगा। तब डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना पड़ेगा आपको कि डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, इसका मतलब ये रहता है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने दिखाया है, ये देखो, सॉरी, वी आर वाई जो है, ये जो लाइन वोल्टेज है, इसको वी एल कह रहा हूँ, इसक्वल टू वी पी एच भी कह रहा हूँ। पी एच मतलब फेज, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, यही कहने का मतलब है। तीनों में जो वोल्टेज आएगा लाइन वोल्टेज, वो फेज वोल्टेज के बराबर ही है। दूसरी बात, अब यहाँ पे ये सिम दिख दिया, आई आर आई वाई और आई बी, ये लाइन करंट कहलाएंगे जो लाइन में फ्लो हो रहे हैं, और ये फेज में फ्लो हो रहे हैं। इसका एक डायरेक्शन में मैंने मान लिया, आई ए बी आई बी सी आई सी ए, कोई भी एक डायरेक्शन ले लो, ठीक है। तो आई आर जब आपको निकालना है, अब यहाँ पे रुक जाओ, ये फेज करंट है, लाइन करंट है, और लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर बता दिए। यहाँ पे आ जाओ, एक बार और आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, यहाँ पे आपको देखो जो आई आर है, ये आई आर है ना, लाइन करंट, हर एक इस पॉइंट पे, हर एक नोड ए बी सी नोड पे आप केसीएल अप्लाई करोगे तो आपको आई आर का वैल्यू पता चल जाएगा। देखो मैंने केसीएल में क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ में क्या बताया था कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, है ना। अभी यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान देना, ये इनकमिंग का जब बात कर रहा हूँ, एसी में तो इनकमिंग भी होती है आउटगोइंग भी होती है सर, लेकिन जब भी आप पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो इसका, तो एक ही एक डायरेक्शन को पॉजिटिव जब भी हाफ रहता है उसी डायरेक्शन पे आप रीड करोगे, है ना। वो तो हमेशा चेंज होता है, अल्टरनेटिंग डायरेक्शन तो रहती है ना, ये अल्टरनेटिंग डायरेक्शन में रहती है, इधर भी रहती है इधर भी रहती है, लेकिन आप केवल एक डायरेक्शन को कंसीडर करके, पॉजिटिव हाफ डायरेक्शन को ही कंसीडर करके सबसे पहले आप स्टडी करते हो, बाकी वो हर समय चेंज होता रहता है, ये बात आप हमेशा याद रखना। ये ऐसा नहीं कि ये डायरेक्शन मैंने ये बना दिया तो इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव, एक साइकिल की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में ये डायरेक्शन यही रहेगा, ठीक है। सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन इस प्रकार रहेगा। अब देखो मैंने एक ये सपोज किया है कि इस प्रकार से फ्लो होगा, डेल्टा के अंदर फ्लो होगा, तो आई ए टू बी फ्लो हो रहा था, आई ए बी बोल दिया, बी टू सी हो रहा है तो आई बी सी बोल दिया, सी टू ए हो रहा है तो आई सी ए बोल दिया, ठीक है। अब देखो आई आर आई सी ए और आई बी, यही है इस पॉइंट पे करंट, इनकमिंग करंट कौन सा है इस पॉइंट पे, जो करंट आ रहे हैं वो आई आर और आई सी ए है, ठीक है। ये दोनों को ऐड करूँगा, आई आर और आई सी ए को, तो आउटगोइंग करंट जो है आई ए भी मिलेगा, तो ये दोनों ऐड हुए हैं तब जाके ये मिल रहा है। तो ये जब उस पर जाएगा तो आई आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आई ए बी माइनस आई सी ए, ये समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। आई आर और आई सी ए ऐड होके आई ए बी बनाए, तो आई आर जब निकालोगे तो आई सी ए को पक्षांतर करोगे तो ए बी से माइनस होगा, है ना। उसी तरह आई वाई निकलेगा, उसी तरह आई बी निकलेगा, करके देख लेना। तो ये के सी एल अप्लाई करने पे ये लिखना पड़ेगा आपको ना, अप्लाइंग के सी एल एट नोड ए बी सी, ए बी सी नोड पे हम के सी एल अप्लाई करते हैं तो ये इक्वेशन आपको मिलेगा, और
और फिर ये आप डायग्राम बनाओगे। अब IAB, IBC, ICA, ये तीन फेज करंट का वोल्टेज आएगा इस प्रकार से, 120 डिग्री पे रहेगा, अपार्ट पे रहेगा। अब IAB और ICA माइनस करोगे, IAB से ICA माइनस करोगे, IAB से ICA माइनस करोगे, तब जाके मेरे को क्या मिलेगा, IR मिलेगा। तो ICA माइनस करने के लिए ये ICA को नेगेटिव डायरेक्शन में ले आया, तो माइनस ICA हो जाएगा। अब ये दोनों को मैंने पैरेललोग्राम लो या समांतर चतुर्भुज नियम से ऐड किया, तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये IR मिलेगा। अब ये दोनों वोल्टेज, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों लेंथ बराबर हैं और उनके बीच का एंगल 60 है, टोटल एंगल 60 है ना, ये बराबर है, इसीलिए बाइसेक्ट कर रहा है 30-30 में। अब देखो IR इक्वल टू 2, और एक कोई भी एक दोनों में से किसी एक का लेंथ ले लो, मैं IAB ले लेता हूँ, ठीक है। IAB एक फेज वोल्टेज ही है, फेज करंट ही है, और ये कॉस 60/2, थीटा बाई टू मतलब 60/2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है मतलब 60 है/2। ये तो पिछले इक्वेशन में देखिए, अब आ गया जो ये सिंपल फिर से यही लिख दिया। अब यहाँ पे IR बार को क्या कर दिया मैंने, केवल IR लिख दिया, क्योंकि मोड लिया है तो ये लेंथ आ गया या RMS वैल्यू आ गया, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। फेजर डायग्राम का लेंथ आ गया और वेवफॉर्म वाले डायग्राम का RMS वैल्यू आ गया, यही इसका मतलब है। अब यहाँ पे 2 IAB cos 60/2 मतलब cos 30 हो जाएगा। IR क्या है, जो लाइन में करंट फ्लो हो रहा है उसको IR बोल रहे हैं, ये IR लाइन करंट, और IAB क्या हो जाएगा, फेज करंट। तो IAB को डायरेक्ट फेस करंट बोल दिया। कॉस 30 होता है √3/2, तो ये सेम सेम इट इज आएगा, जैसे उसमें स्टार में वोल्टेज का आया था रिलेशनशिप, इसमें करंट का रिलेशनशिप होता है, ठीक है, दोनों सेम तो दिख रहा है। इसको समराइज कर लेते हैं, तो आपको केवल एक या तो एक चीज़ याद रखना, लाइन इक्वल टू √3 VP, √3 फेज, लाइन इक्वल टू √3 फेज। अब यहाँ पे स्टार के लिए और डेल्टा के लिए हम पढ़ेंगे, सबसे पहले वोल्टेज देखते हैं। तो वोल्टेज, दोनों वोल्टेज, दो प्रकार के वोल्टेज होते हैं, एक लाइन वोल्टेज एक फेज वोल्टेज। दोनों प्रकार के वोल्टेज किस कंडीशन में सेम होते हैं, तो डेल्टा के लिए। अभी देखे थे हम लोग डेल्टा कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे करंट, स्टार कनेक्शन लोड में करंट जो होते हैं, लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होते हैं। तो बाकी जो भी बचा चीज़ है उनमें ये रिलेशनशिप आ जाए, जैसे कि स्टार कनेक्टेड लोड में क्या अलग अलग होते हैं, वोल्टेजेस अलग अलग होते हैं, जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज अलग होते हैं उनको लिख लिया VL लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 VPH, और डेल्टा कनेक्टेड में करंट अलग अलग होते हैं तो IL इक्वल टू √3 IPH हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने कि अगर कोई स्टार कनेक्टेड लोड है, और स्टार कनेक्टेड लोड है सप्लाइड बाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई, यहाँ जैसे लिख दिया ये 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ सप्लाई, ये जो वोल्टेज है ये हमेशा थ्री फेज में क्या कहलाएगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज, या ओनली लाइन वोल्टेज इसको कहेंगे, तो हमेशा मेंशन हो चाहे ना हो ये लाइन वोल्टेज ही रहेगा। अगर फेज वोल्टेज लिख दिया है तब उसको फेज वोल्टेज मानेंगे, नहीं तो अन्यथा वो लाइन वोल्टेज ही कहलाएगा। अब ये देखो फेज इम्पिडेंस इज, फेज इम्पिडेंस दे दिया है, तो एक स्टार कनेक्शन में एक ही पर फेज में कौन कितने इम्पिडेंस लगे हैं, 58 एंगल 30 का इम्पिडेंस लगा है, ये वैल्यू दे दिया है इम्पिडेंस का वैल्यू। अब बोलता है लाइन करंट फेज वोल्टेज निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले गिवन है 400 वोल्ट, वो लाइन वोल्टेज तो मैं VL बता दिया 400 वोल्ट, और जेड पर फेज जो है हर एक फेज में 58 एंगल 30 का, ये जो स्टार कनेक्टेड लोड है तो ये स्टार कनेक्टेड लोड मैंने बना लिया। जेड जो है यहाँ पे ZPH 58 एंगल 30 का होगा, और ये जो दो लाइन है ये R/V फेज मान लिया मैंने, तो दो लाइनों के बीच का वोल्टेज को VL बोल रहे हैं मैंने, और जो लाइन करंट होगा स्टार कनेक्शन के लिए लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होगा, तो केवल मैं एक करंट निकालूंगा दूसरा वैल्यू वही रहेगा। और जब भी थ्री फेज का कैलकुलेशन होता है तो आप पर फेज बेसिस पे करोगे, हर एक फेज में करोगे कैलकुलेशन, एक फेज में करोगे बाकी सबका बराबर वैल्यू आएगा, है ना, तो एक फेज पे आ जाओ और फिर करेंगे। अब देखो मेरे को लाइन वोल्टेज दिया हुआ है तो फेज वोल्टेज कैसे निकलेगा, मैंने बताया कि स्टार कनेक्शन के लिए
लाइन वोल्टेज इक्वल टू रूट थ्री वी पी एच होता है, तो वी पी एच निकालने के लिए रूट थ्री को वी एल के नीचे ले जाओ, 400 से डिवाइड करो, है ना, तो 230.9 वोल्ट आता है। यही 230 वोल्ट जो है घर का सप्लाई होता है सिंगल फेज में, थ्री फेज में 400 वोल्ट का सप्लाई रहता है, बता चुका हूँ। अब देखो आई पी एच जो है फेज करंट, फेज करंट कैसे निकलेगा, देखो फेज वोल्टेज आ गया मेरे को, ये वोल्टेज आ गया, फेज वोल्टेज यही होता है न्यूट्रल लाइन टू फेज लाइन के बीच का जो वोल्टेज वो फेज करंट बोलते हैं, फेज वोल्टेज बोलते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करूँगा, वोल्टेज है ना, हर फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है फेज वोल्टेज है, फेज वोल्टेज डिवाइडेड अपॉन जेड करूँगा, तो इसमें जो करंट फेज करंट फ्लो होगा वही इसी को बोलूँगा क्या, कौन सा करंट, फेज करंट। तो फेज करंट निकालने के लिए क्या करूँ, फेज करंट इज इक्वल टू फेज वोल्टेज डिवाइडेड अपॉन फेज इम्पिडेंस, तो फेज वोल्टेज वी पी एच बाई जेड पी एच। वी पी एच अभी हमने निकाले कितना, 230.9, और फेज वोल्टेज फेज इम्पिडेंस का वैल्यू जो है 50 है, एंगल से अभी मेरे को कोई काम नहीं है, एंगल का जब काम आता है तब यूज़ करते हैं, अभी केवल वैल्यू यूज़ करेंगे जो कि आएगा 50, 58 एंगल 30 था, तो एंगल का जरूरत नहीं है क्योंकि करंट का एंगल से अभी अब कोई मतलब नहीं, केवल वैल्यू से मतलब है। तो आई पी एच का एक वैल्यू हमारा कितना आएगा, 4.62 एम्पियर से आ रहा है। फिर बोलता है स्टार कनेक्शन लोड के लिए लाइन करंट फेज करंट के बराबर होता है, तो लाइन करंट भी यही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू आ गया मेरा, तीनों वैल्यू आ गया, फेज वोल्टेज निकालना था, लाइन वोल्टेज निकालना था, फेज वोल्टेज लाइन करंट निकालना था, फेज करंट निकालना था, क्या दिया हुआ था, केवल लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब सेकेंड टॉपिक इसमें ये है, थ्री फेज में पावर मेजरमेंट कैसे करते हैं, थ्री फेज जो लोड आपने देखा उसमें पावर मेजरमेंट किस प्रकार होता है, तो ये इस प्रकार होता है कि एक वाट मीटर होता है, ये वाट मीटर पावर क्या होता है उसमें, देखो पावर अभी तक हम लोग वी एल वी एल साइन वी एल कॉस थीटा पावर, पावर आपने पढ़ा, एक्टिव पावर जो भी होता है ट्रू पावर, उसका वैल्यू क्या था, वी आई कॉस थीटा, है ना, यही पावर था। अब ये पावर मेजर कर डायरेक्ट पॉइंटर पे आपको देखने के लिए, आपको कैलकुलेट थोड़ी करते रहेंगे कितना करंट है, कितना वोल्ट, कितना वोल्टेज है और कितना पावर फैक्टर, ये सब कैलकुलेट करने से अच्छा ये एक डिवाइस होता है जिसको वाट मीटर बोलते हैं, जो कि कनेक्ट कर दो और इस प्रकार से उसका कनेक्शन होता है, तो कनेक्ट जैसे जहाँ भी जिस फेज में कर दोगे वहाँ पे उसका कितना ट्रू पावर खपत हो रहा है, पावर कितना खपत हो रहा है वो डायरेक्ट आपको दिखा देता है किलोवाट में, है ना, इस प्रकार उसका डायल में इस प्रकार दिखता है। अब यहाँ पे देखो थ्री फेज पावर मेजरमेंट करना है, उसके पहले सिंगल फेज में किस प्रकार ये कनेक्ट होता है, फिर थ्री फेज में कैसे कनेक्ट करेंगे वो दिखाएंगे। तो ये वाट मीटर का सिंबल इस प्रकार होता है, ठीक है। इसमें देखो ये होता है करंट कॉइल, ठीक है, तो ये लोड के सीरीज में कनेक्ट होता है, जो भी ये अगर इस प्रकार से कोई सर्किट दिख रहा है, ये लोड में वोल्टेज अप्लाई सीधे किए हैं, तो लोड के अक्रॉस का वोल्टेज वी एल है और उसके उसके थ्रू करंट आई एल है, करंट आई फ्लो हो रहा है, वोल्टेज इसके अक्रॉस वी एल आ रहा है। तो यहाँ पे अगर वाट मीटर कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो जो करंट है या जो लोड करंट है, तो लोड के ये करंट कॉइल ये जो है, ये ऊपर वाला जो इस प्रकार दिख रहा है ये करंट कॉइल है, तो ये लोड के सीरीज में कनेक्ट होगा, तो ये देखो हमारे लोड के सीरीज में कनेक्ट हो रहा है ये करंट कॉइल, और ये जो है इस प्रकार से नीचे आया है ये प्रेशर कॉइल है, प्रेशर मतलब वोल्टेज कॉइल है ना, तो ये वोल्टेज, तो ये हमेशा लोड के वोल्टेज कहाँ पे यहाँ मेजर हो रहा है ना, तो इस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हमेशा लोड के पैरेलल में ये कॉइल कनेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, तो उल्टा से कोई मतलब नहीं, इधर से बनाओ इधर से बनाओ, सब सेम होता है वाट मीटर के लिए। अब देखो पावर क्या मेजर करता है, ये वी एल आई एल कॉस थीटा यही मेजर करता है सिंगल फेज के कंडीशन में, ये एल क्या है, लाइन लाइन करंट लाइन वोल्टेज नहीं है, ये क्या है लोड करंट लोड वोल्टेज का आई एल वी एल आई एल आई है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिंगल फेज में कहाँ से लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज आ गया, इसमें तो सिंगल एक ही फेज वोल्टेज होता है ना। अब आ जाओ इन केस ऑफ थ्री फेज, थ्री फेज में पावर मेजरमेंट के तीन तीन हमारे पास मेथड है, कौन कौन से, वन वाट मीटर मेथड, ये देखो यहाँ से आपका एग्जाम में पूछता है कि कितने प्रकार के मेथड होते हैं, और टू वाट मीटर मेथड को समझाइए करके,
तो आप मेथड बताओगे, तीन मेथड होते हैं, वन वाट मीटर मेथड, टू वाट मीटर, थ्री वाट मीटर। देखो सिंपल से पहले बता दूं कि वन वाट मीटर और थ्री वाट मीटर होता क्या है ये भी तो जान लो। तो क्या करेंगे, वन वाट मीटर मेथड में तीन फेज हैं, ठीक है, तीन फेज हैं हमारे पास, एक फेज ये है, एक फेज ये है, एक फेज ये। तो तीनों में अलग अलग बार आप अप्लाई करो, है ना, ये वाट मीटर को ऐड करो और वाट मीटर को लगाओ और तीनों में अलग अलग बार आप पावर को देख मेज़र कर लो। तो ये आपका जो भी तीन 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 बार रीडिंग आएगा, तीनों को ऐड करोगे तो ये वाट मीटर का रीडिंग कहलाएगा, ए टोटल थ्री फेज पावर कहलाएगा। पावर कौन सा, एक्टिव पावर ना। वाट मीटर, वाट का मतलब क्या होता है, एक्टिव पावर मेज़र, पी को मेज़र करने वाला। तो अब उसको देखो कि उसका मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन भी होता है जिसको हम लोग वोल्टेज और करंट से अगर और पावर फैक्टर से निकालना चाहे तो कैसे निकलेगा। थ्री फेज पावर होता है, देखो तीन फेज हैं, तीनों फेज के पावर को ऐड कर लो। एक फेज का पावर क्या होगा, वी पी एच आई पी एच कॉस थीटा। अब तीनों को ऐड कर लो, तीनों बराबर हैं क्योंकि बैलेंस लोड है इसलिए बराबर आएंगे। तो तीन बार ऐड करोगे तो थ्री वी पी एच आई पी एच कॉस थीटा होगा। अब यहाँ पे देखो, स्टार कनेक्टेड लोड हो चाहे डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, ये इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन दोनों के लिए आएगा, ये भी इक्वेशन दोनों के लिए आएगा, ठीक है। अभी लाइन लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रेस्पेक्ट में अगर देखना है तो क्या हो जाएगा, √3 VL IL cos थीटा, ठीक है। तो ये दोनों पहले तो याद करो, फिर मैं बताता हूँ क्यों हो जाता है। थोड़ा सा देखना चाहोगे तो देख सकते हो क्या होता है, 3 × यहाँ क्या है, 3 × VPH। अब यहाँ पे VPH मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन है, जो 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 फेज वोल्टेज है, VPH को VL लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं VL/√3, यही होगा दोनों के बीच का रिलेशन। और बाकी ये जो IPH है, IPH और IL दोनों बराबर होते हैं स्टार में, तो यहाँ पे सीधे मैं IL लिख सकता हूँ और इधर cos थीटा जो भी है लिखाएगा ही, है ना। अब यहाँ पे जो ये 3 है, ये √3 है, ये जो √3 है, ये 3 को √3 बार में डिवाइड करेगा या कट करेगा √3 बार में, तब ये एक्सप्रेशन आ जाएगा सीधे √3 VL IL cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आता है, तो जिनको समझना है इसे समझ सकते हैं। उसी प्रकार डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए, डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट करंट IL/√3 आ जाएगा और VPH डायरेक्ट VL आ जाएगा, तो √3 जो यहाँ पे आएगा वो कट के यहाँ पे √3 पहुँचेगा। बस ये याद रखो, काफ़ी है, उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कि फेज के फेज करंट और फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 3 × आता है और लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के रिस्पेक्ट में √3 आ जाता है। ये आप याद करो, कंठस्थ होना चाहिए सभी को। अब आगे देखो, टू वाट मीटर मेथड आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। टू वाट मीटर मेथड क्या होता है, देखो 2 वाट मीटर मतलब 2 वाट मीटर से आपका काम चलाना है पावर मेजरमेंट का एक ही बार में। और पावर कितना होगा, ये जो 2 वाट मीटर है, दो कनेक्ट करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, एक बार और बताता हूँ कि करंट करंट कोयल जो है सीरीज में लगता है और प्रेशर कोयल पैरेलल में लगता है। तो प्रेशर कोयल को किसी भी दो लाइन में लगा दो, कोई एक लाइन को कॉमन ले लें, यहाँ पे मैंने बी लाइन को कॉमन लिया और W1 और W2 को R और Y फेज में लगा दिया, सॉरी दिख रहा है। तो इस प्रकार से, और देखो ये करंट कोयल सीरीज में लग गया, यहाँ भी सीरीज में लग गया, प्रेशर कोयल पैरेलल में लग गया, ठीक है। अब देखो सीरीज पैरेलल से मतलब ये है कि प्रेशर कोयल को ये किसी भी एक टर्म कॉमन कॉमन लाइन में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। अब ये कहता है 2 वाट मीटर मेथड, W1 + W2 करूंगा तो पूरे 3 फेज का पावर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इसका, इसको प्रूफ करके बता के दिखाना है कि कैसे आ जाता है। तो जब भी आपको प्रूफ करना है तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले फेजर डायग्राम बनाओ। फेजर डायग्राम में क्या बनेगा सर, क्या बनेगा, ये देखो ये 3 फेज हम लोग स्टार के लिए बना स्टार के लिए बनाते हैं। तो स्टार में देखो VR यहाँ इस प्रकार आएगा, जो फेज वोल्टेज है VR, VY,
बीबी है ना। अब यहाँ पे उल्टा कैसे हो गया सर? तो ये हम यहाँ पे कुछ कहीं भी दिखा सकते हैं, ये फेजर डायग्राम नहीं है, है? ये फेजर डायग्राम है, जो वाई आएगा यहाँ आएगा, क्योंकि फेज सीक्वेंस ये है इस प्रकार से, आर फिर वाई फिर पी आएगा, तो इस प्रकार से आना चाहिए। तो ये एक दूसरे में 120 डिग्री अपार्ट हैं। जो करंट है, करंट को अगर लैगिंग करके बनाया जाता, क्योंकि लैगिंग लोड ही ज़्यादातर होता है, इसलिए लैगिंग के लिए बनाएंगे। कितना? थीटा डिग्री लैगिंग, मान 5 डिग्री, ये जो फाई है 5 डिग्री लैगिंग के करंट बना लो, पर फेज में करंट कितना है, तो एक एक फेज में आई आर, वाई वाले फेज में आई वाई, और बी वाले फेज में आई बी, ये थीटा डिग्री 5 डिग्री पे आपका आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे देखो फाई 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 आ गया। अब यहाँ पे दिखाना है लाइन वोल्टेज, अगर लाइन वोल्टेज दिखाना है तो एक लाइन वोल्टेज देखो मेरे को क्या क्या दिख क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो W1 है क्या क्या मेज़र करेगा? वोल्टेज और करंट ही मेज़र करता है, ठीक है? वोल्टेज और करंट में अगर मेज़र करता है तो कौन कौन सा करेगा? W1 क्या करेगा? आर और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो मेज़र करेगा। तो सबसे पहले मैं फेजर में निकालना चाहूँगा आर और बी, वी आर बी निकालना है, तो वी आर और ए माइनस वी बी करना है। माइनस वी बी करूँगा तब वी आर बी निकलेगा ना, वी आर माइनस वी बी करना है, तो माइनस वी बी करने के लिए इस फेज को पीछे ले गया, माइनस वी बी हो जाएगा, दोनों का वैल्यू बराबर है, दोनों को ऐड करूँगा तो इस प्रकार ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये टोटल में बताया था, ये पीछे आके ये पूरे को 60 करता है, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों वेक्टर बराबर हैं, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, तो 60 को हाफ हो जाएगा 30, यहाँ 30 हो जाएगा। सेम इट इज़ यहाँ पे देखो कि अब ये W2 के वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, W2 के कौन कौन से वोल्टेज को मेज़र कर रहा है, क्योंकि वाई और बी के बीच में लगा हुआ है, तो ये वोल्टेज वी बाई बी मेज़र करेगा, तो वाई वी बाई ले लो और माइनस वी बी कर दो तो वी बाई बी आ जाएगा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आया वी बाई बी, है ना, और ये भी 30 हो जाएगा, दोनों के बीच का यहाँ पे एंगल टोटल 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, 30 30, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दो, करंट क्या क्या मेज़र कर रहे हैं, ये आई आर मेज़र कर रहे हैं और ये आई वाई मेज़र कर रहा है, ठीक है। डब्ल्यू टू आई कौन सा करंट मेज़र कर रहा है? आई वाई। तो ये वोल्टेज वोल्टेज कौन सा? वी आर बी और आई आर के बीच जो भी फेज डिफरेंस है उससे आता है कॉस थीटा, है ना, जो पावर फैक्टर इन्हीं दोनों करंट और वोल्टेज के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखो वी आर बी और आई आर, ये दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है वो निकालेंगे, क्या आएगा? वी आर बी एंड आई आर, ठीक है, वी आर बी एंड आई आर, मतलब ये एंगल आपको निकालना, तब जाके कॉस थीटा आएगा, जो W1 के फॉर्मूला में कॉस थीटा आता है ना, वो यही कॉस थीटा आना है, तो ये एंगल कितना है वो निकालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये टोटल 30 है, यहाँ से यहाँ तक का 30 है, और यहाँ पे जो छोटा सा एंगल दिख रहा है वो फाई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पूरे 30 में से ये थीटा हटा दूँ तो ये एंगल आ जाएगा, तो 30 माइनस फाई, इसका मतलब वी आर बी और आई आर के बीच में 30 माइनस फाई एंगल है, जो कि मैंने लिख दिया, एंगल बिटवीन आई आर एंड वी बी आर या आर बी, ये है, ये तो गलती हुआ था उस समय, तो ये है 30 माइनस फाई। अब यहाँ पे देखो दूसरा, ये W2 जो वाट मीटर कनेक्ट किया हूँ, ये कौन कौन से वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को मेज़र करेगा? ये वी वाई बी और आई वाई, है ना, आई बी का नहीं करेगा, क्योंकि करंट कोल इसका ये आई वाई को मेज़र करेगा, तो आई वाई और वाई बी, वी वाई बी, वी वाई बी एंड ये आई वाई, ये आई वाई, ठीक है, ये दोनों के बीच, ये दोनों फेजर के बीच में कितना एंगल है वो देखो, 30 तो ये था ही, ये 5, तो 30 प्लस 5 हो जाएगा, दोनों मिला दूँ तो ये आई वाई और वी वाई बी के बीच का एंगल 30 प्लस 5, 30 प्लस 5 ही है दोनों के बीच का एंगल। अब तो W1 क्या मेज़र कर रहा है? आर बी और आर करेंट और पावर फैक्टर, ये दोनों के यही दोनों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल को पावर फैक्टर में पावर फैक्टर एंगल बोलते हैं, तो cos 30 माइनस 5 cos 30 प्लस 5, ये इतना तो आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। W1 में वोल्टेज क्या था? आर बी और आर, करंट आर था, और दोनों के बीच का एंगल cos 30 माइनस 5 हो जाएगा। W2 जो मेज़र कर रहा था वाई बी और आई वाई मेज़र कर रहा था,
यही दोनों फेजर के बीच का एंगल 30+π था। ठीक है, अब देखो लेट मान रहे हैं, क्योंकि बैलेंस लोड है, बैलेंस लोड कंडीशन में क्या होता है कि तीनों जो ये लाइन वोल्टेज है तीनों को मान लिया VL, और करंट जो है स्टार कनेक्शन के लिए करंट जो भी लाइन करंट है वही फेज करंट है, ये बता दिए मैंने। अभी यहाँ पे ये वैल्यू को हटा दूंगा तो यहाँ की ये जो लाइन लाइन वोल्टेज है इसको VL कर दूंगा और इसको IL कर दूंगा, ये सेम चीज़ नीचे करो रहेगा। तो W1 इज इक्वल टू VL IL cos 30-5, W2 हो जाएगा VL IL cos 30+5। अब ये दोनों इक्वेशन में पहले पहले W1 + W2 करो और W1 - W2, ये दो चीज़ आपको करना है। तो W1 + W2 जब करते हैं तो क्या होता है, VL IL यहाँ पे कॉमन आ जाएगा दोनों में, और cos A - B cos A+B का फॉर्म में ए आ जाएगा। इसका फॉर्मूला ये होता है 2 cos A cos B, है ना। तो यहाँ पे ए ये है 30 और बी है 5, तो आप यहाँ पे अप्लाई करो तो VL IL W1 + W2 हो जाएगा VL IL कॉमन में और 2 cos A cos B, तो 2 cos A, ए यहाँ पे 30 लिया, बी मतलब 5 है ना, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो VL IL यहाँ पे देखो बचा क्या, VL IL √3 cos 5, √3 सामने ले जाओ तो √3 VL IL cos 5, √3 आ गया, सॉरी यहाँ √3 VL IL cos 5, ये है। ये क्या है, यही तो पावर है हमारा, पूरे थ्री फेज का, पूरे थ्री फेज का पावर, थ्री फेज पावर है, थ्री फेज ट्रू पावर रिएक्टिव पावर यही है ना। तो थ्री फेज का पूरा पावर √3 VL IL आ गया हमारा। तो यही हम सिद्ध करना चाह रहे थे कि जो दो वाट मीटर हम लोग लगाए हैं उन दोनों के वैल्यू को अगर सम कर दिया जाए तो थ्री फेज का टोटल पावर आ जाता है। अब आपको पावर तो पता चल गया, अगर पावर के साथ पावर फैक्टर भी मेजर कर लो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए, पावर फैक्टर निकालने के लिए आपको किससे निकालना है, W1 और W2 के वैल्यू से ही निकालना है। तो पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये देखो हम लोग W1 + W2 जान रहे हैं कि ये पावर मेजरमेंट कर देता है हमारा, ये दोनों वैल्यू को ऐड करूँगा तो टोटल पावर हमारा मिल जाता है। इसको मत देखो, जैसे W1 आ रहा है 10 और ये आ रहा है 20, तो दोनों को जोड़ दो तो 30 वाट करके पावर आ जाएगा, है ना, वाट में पावर आ जाएगा। अब आप करो W1 - W2 करके देखो तो मैथमेटिकली क्या आता है वो हम देखते हैं। W1 - W2 जब करेंगे तो सेम ऐसा कंडीशन आएगा, VL IL cos 30 - Y - VL IL cos 30+Y, ये आएगा। VL IL को कॉमन ले लो तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार आ जाएगा। यहाँ सेम कंडीशन बना, cos A - B - cos A+B, ये कंडीशन जब भी बनता है तो माइनस जब भी आ जाएगा, और A+B A - B वाला कंडीशन, और यहाँ माइनस रहेगा तो साइन आ जाएगा, 2 sin A cos B, है ना, तो 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको पुट करो तो क्या आ जाएगा, VL IL 2 sin A, साइन ए क्या था हमारा, ए का वैल्यू ए मतलब 30, 30 - 5 था, ए माइनस बी में ए साइन 30 हो जाएगा, साइन बी मतलब 5, 30 - 5 था, ए माइनस बी करो तो वही मतलब निकलेगा, 30 और 5 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 2 sin 30 sin 5, इतना तो समझ में आ गया होगा, ये इतना आना चाहिए आपको इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो। अब आगे देखिए, VL IL = sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, sin 5 बचा, तो W1 - W2 आ रहा है VL IL sin 5, है ना, VL IL sin 5। अब आगे देखो, समीकरण 6 को 5 से भाग करने पर जो माइनस वाला है W1 - W2 को W1 + W2 से भाग करना है, तो यहाँ पे देखो cos थीटा और यहाँ sin थीटा वाला टर्म है, ध्यान देना ऐसे ही करना, माइनस ऊपर प्लस नीचे, तो VL IL sin 5 / √3 VL IL cos 5 हो जाएगा। तो VL IL कैंसल, sin/cos 10 होता है तो 10 ऊपर आ जाएगा, √3 नीचे बच जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 10 फाई जो है, 10 फाई क्या हो जाएगा, √3 W1 - W2, ये √3 इधर चला जाएगा, 10 फाई निकल जाएगा, तो W1 - W2 W1 + W2
ये समझ में आया। अब 10 को इस पार ले जाएंगे तो 10 इनवर्स बना देगा, क्या बना देगा, 10 इनवर्स, तो ठीक 5 = 10 इनवर्स, ये पूरा √3 W1 - W2, W1 + W2 जो भी ये लिखा हुआ है वैल्यू ये रहेगा, ठीक है। इस प्रकार 5 आ गया, 5 जैसे आ गया तो 5 के सामने कॉस लगा दो, तो यहाँ भी कॉस सामने आ जाएगा, है ना। ये देखो आगे आगे तो यही सब है, आगे बस वही कर दिया, तो कॉस 5 निकालना है जो कि पावर फैक्टर कहलाएगा। तो कॉस 5 क्या हो जाएगा, 10 इतना आ गया, सॉरी 10 इतना आ गया, तो पावर फैक्टर कॉस 5 जो निकलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 इस पर आया तो 10 इनवर्स इतना पूरा बनाया, और ये 5 बचा, 5 के सामने कॉस लगाया तो ये पूरे के सामने कॉस लग गया, तो ये जो आ रहा है ये पावर फैक्टर है। तो आई होप अब तो सब क्लियर हो गया होगा पॉलीफेज सर्किट का, तो इसके अलावा अब कुछ भी नहीं बचा है ना क्लियर करने के लिए। फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।